यार खुशी से सारी धान काट के चला गया। और फिर मगरमच्छ आया, उसने फटाफट सारी मिट्टी खोद के धान का निचला हिस्सा लिया और फिर अफसोस करा। क्यों? क्योंकि इस बार उसके हाथ क्या लगा था, सिर्फ जड़ें जो खाने के बिल्कुल काम की नहीं थी। और सियार बड़ा खुशी 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 धान लेकर अपनी अपने घर चला गया। फिर दोनों वापस मिले, फिर दोनों ने डिसाइड किया। अब मगरमच्छ ने पहले ही प्रण कर लिया था कि इस बार तो मैं बिल्कुल भी बुद्धू नहीं बनूंगा और मैं अब कैसे मिट्टी के ऊपर का हिस्सा लूंगा, पौधों के ऊपर का हिस्सा लूंगा और मिट्टी के अंदर का हिस्सा सियार को दूंगा, उसे पहले ही बोल दिया। और इस बार दोनों ने मिलकर डिसाइड किया कि हम चुकंदर की खेती करेंगे। अब फिर बुद्धू बना, क्योंकि अब आपको पता है चुकंदर भी मिट्टी के अंदर होता है और जो ऊपर का पौधा होता है वो कोई काम का नहीं होता। पर इस बार तो उसने क्या कहा था कि पहले बुद्धू बना, दोबारा बार भी बुद्धू बना। उसने कहा अब मैं मूर्ख नहीं बनूंगा और अब मैं सियार को ही बुद्धू बनाऊंगा, जबकि दोनों गहरे दोस्त थे। ऐसा करना चाहिए था कि मगरमच्छ को नहीं, पर वो नहीं माना। अब उन्होंने खेती करी, चुकंदर लग गए। चुकंदर लगे तो वापस से ये चुकंदर का ऊपरी भाग लेके ये चला गया मगरमच्छ। और चुकंदर जो मिट्टी के अंदर, चुकंदर तो मिट्टी के अंदर होती है, सियार ने सारी चुकंदर निकाली इकट्ठी करी, वो भी अपने घर चला गया। फिर बेचारा मूर्ख मगरमच्छ फिर सिर पीटता रह गया कि ओफो इस बार फिर मैं मूर्ख बना। और फिर वापस होशियार कौन, बुद्धिमान कौन साबित हुआ? सियार। उसको पता था अब क्या करना चाहिए था मगरमच्छ को। अगर दोनों गहरे दोस्त थे तो दोनों ने मिलके खेती करी थी तो दोनों ने फसल को आधा आधा बांटना चाहिए था। मगरमच्छ ने अपने आप को चतुर बनना चाहा कि मैं ले लूंगा, अपना स्वार्थ सोचा कि मेरे को नीचे का भाग मांग लूंगा तो मेरे को सब आलू, ऊपर का भाग मांग लूंगा तो सब आलू मेरे को मिल जाएंगे और पौधे पौधे इसको मिलेंगे। पर उसको तो कोई जानकारी नहीं थी। इससे क्या साबित होता है कि हमें जिस चीज की जानकारी नहीं हो उसके बारे में हमें किसी तीसरे से पूछ लेना चाहिए। अगर दोनों दोस्त थे, दोनों ने मिलकर खेती करी तो क्या फर्ज बनता था मगरमच्छ का कि वो उसके साथ मिलकर खेती को, फसल को निकाले और काटे और मिलकर आधी आधी बांटे तो दोनों का फायदा होता। पर पूरा फायदा किसका हुआ? सियार का, क्योंकि सियार बुद्धिमान था, सियार को पता था कि कौन सी फसल कहाँ लगती है। इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमें जिस काम की जानकारी ना हो उसके बारे में हमें किसी तीसरे से पूछना चाहिए या उसके बारे में हमें कुछ जानकारी पहले से हासिल कर लेनी चाहिए। कौन मूर्ख बना? इसीलिए इस पाठ का नाम था हमारा मूर्ख मगरमच्छ। क्यों मूर्ख साबित हुआ? क्योंकि हर बार उसने अपनी मूर्खता के कारण मेहनत से जो फसल हो गई उसका क्या हिस्सा मिला उसको? ना आलू मिले, ना धान, धान पता है क्या होती है, चावल, और न ही चुकंदर मिला उसके हिस्से में। तो हमेशा या तो जड़े मिली या पौधे मिले। अब दोनों दोस्त थे तो दोनों ने ऐसा करना चाहिए था क्या? सियार ने, सियार की भी थोड़ी गलती, पर सियार इसलिए सियार चुप बैठा क्योंकि वो समझ गया था कि मगरमच्छ मुझे बेवकूफ बनाना चाह रहा है और खुद सारी फसल लेना चाह रहा है, इसलिए उसने कुछ नहीं बोला। पर अगर दोनों दोस्ती थे तो दोनों ने मिलजुल कर रहना चाहिए था। कैसी लगी आपको ये कहानी? सीखा आपने कि अगर हम दोस्त है तो हमें कैसा रहना चाहिए? मिलजुल कर रहना चाहिए। हमें मगरमच्छ की तरह बुद्धू बनना है कि सियार की तरह मूर्ख, सियार की तरह होशियार? अब मगरमच्छ तो बना बुद्धू और सियार बना बुद्धिमान। कैसी लगी आज की कहानी आपको? अब इसके साथ मैं आपको इसकी वर्कशीट भेजूंगी जिसे आपको इसे कंप्लीट करना है। और ये हमारा पाठ था मूर्ख मगरमच्छ। क्या था? मूर्ख मगरमच्छ। देखेंगे किस तरह पिक्चर में मगरमच्छ और दोनों ने मिलकर खेती करी और दोनों कौन मूर्ख बना और कौन बुद्धिमान था। ठीक है, ध्यान रखेंगे कि कभी भी हमें कोई भी काम बिना जानकारी के या बिना उसके नॉलेज के नहीं करना चाहिए। ओके, बाय। नेक्स्ट वीडियो में फिर आपके लिए कुछ नया लेकर आऊंगी।